गाइस ये है रेल की पटरी और रेल की पटरी के ऊपर आज ट्रेन की जगह ये क्या चल रहा है देखो, और वो क्या काम कर रहा है आपको दिखाते हैं हम चल के। इसमें भी भाई हॉर्न लग रहा है सब कुछ, देखो देखते हैं चल के। पूरी जो साइड का जो पत्थर है पूरा इकट्ठा हुआ पड़ा है देखो साइड से। गाइस में कितनी कन्वेयर वगैरह लग रही है आपको दिखाते हैं क्या काम कर रही है ये आगे बढ़ के रुक जाएगी, अब पीछे वाला आएगी। ये क्या काम हो रहा है ये शनाई, शनाई, शनाई मतलब मिट्टी अलग हो रही है। पत्थर की शनाई हो रही है, पत्थर की शनाई। अच्छा तो कैसे करती है मशीन ये अभी करेगी, अब कहाँ जाएगी? अच्छा 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 हो गई है चनाई इतनी, तो पत्थर की चनाई कर दी, मिट्टी उट्टी जो आ जाती है। बाकी ये काम सब लेबर से होता है, ये वाला काम लेबर से होता है। और वो पीछे वाली मशीन क्या करती है? वो वाइब्रेशन करती है पत्थर में खाल के नीचे। अच्छा 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 वाइब्रेशन वाली है वो, वाइब्रेशन है पीछे, वाइब्रेशन है इधर पैकिंग कर रही है। पत्थर साइड में करती है वो? नहीं ये पत्थर को बैठालती है। अच्छा अच्छा आएगी। अच्छा इस मशीन का ही पड़ा है अटैचमेंट, कितनी लेबर काम कर रही है साथ में मशीन के, कितना काम घटा दिया है। ये पत्थर की ना दोस्तों छनाई करती है मशीन, ताकि ना पूरा कम्पैक्ट ना रहे, लूज लूज रहे। अगर कम्पैक्ट रहेगा मिट्टी सी रहेगी बीच में तो घास जम जाएगी। ये पत्थर जो है ना ओनली पत्थर इसलिए डालते हैं ताकि पटरी पे कभी घास ना जमे, इसमें मिट्टी रहेगी डस्ट मिक्स हो जाएगी तो घास जम जाएगी इसमें, मतलब कम्पैक्ट रहे, लूज नहीं, मैं लूज गलत कह गया, कम्पैक्ट रहे और इसमें ना घास ना जमे, मिट्टी मिट्टी अलग हो जाए, छनाई हो जाए जो अच्छी तरीके से। तो देखो भाई ये चल रहा है इसका वाइब्रेटर, कितना बिठा लेते हैं जो ये मशीन क्या काम कर रही है आपको दिखाते हैं। मशीन पूरी पटरी में वाइब्रेशन दे रही है, ये देखो ये शाफ्ट घूम रही है, देखो पूरा वाइब्रेशन चल रहा है।
गाइस ऐसे होता है रेल की पटरी का रिकंस्ट्रक्शन का काम। आपने जो देखा इस रूट की ट्रेनें भी सारी बंद होंगी, मतलब सारी नहीं कुछ ट्रेनें बंद होंगी, पटरी पे काम चल रहा है इसलिए, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है पटरी का काम, लेकिन आपको दिखाने का मौका आज ही लगा है। हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं जा रहा था मार्केट एरिया में, मैं देख के रुक गया, मैं क्या देखा जाए खुद भी और आपको भी दिखाया जाए। मशीन अभी रुकी है, आगे वो लेवल कर देते हैं तभी ये पीछे वाइब्रेशन करती है। दोस्तों एक चीज नोट करी, इसकी जैक की स्पीड कितनी नीचे आने की और ऊपर जाने की, बहुत हाई स्पीड है भाई, बहुत हाई स्पीड से नीचे आता है जैक, बहुत हाई स्पीड से ऊपर जाता है। ओ माय गॉड, इसमें तो भाई कमेंस का इंजन है, कमेंस का इंजन है भाई इसमें। तेल भाई ये घूटों के हिसाब से पीता होगा, और इसमें एक ये एसी भी लग रहा है या आउटडोर लग रहा है साइड में। हेलो भाई साहब, क्या सैलरी आपको चुराने की मिलती है? सैलरी है? हाँ जी, मैं भी इसी लाइन में हूँ ना, मैं रोड कंस्ट्रक्शन में हूँ। हाँ पैंतीस से 40,000 रुपये सैलरी है ये ऑपरेटर की, सरकारी मशीन की ये होती है भाई एटीट्यूड। कृपया मशीन पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में शटिंग ना करें, शंटिंग ना करें। भाई काफ़ी हैवी इसके अटैचमेंट्स हैं, ये सारी साइड से ना इकट्ठा करती होंगी ये बजरी को, 40 mm को, 60 mm जो है ये सारी साइड से या बीच से इधर को करती होंगी ये।
ना रोक भी सकते हैं मशीन को, अगर जैसे फुल स्टॉप करने मशीन रोकनी है ना नीचे से, तो इस बटन से रोक सकते हैं, जैसे अपने पिक किसी पेवर में होता है या और पेवर में होता है, नीचे से रोक सकते हैं मशीन को, चलेगी ऊपर से ही, नीचे से रोक सकते हैं। गाइस जा रही है मशीन, ये इनके सहायक होंगे, सहायक करता होंगे इनके साथ के। इतना ही वर्क हुआ है आज, ये देखो आगे वाली ये जो के पहिए हैं वो उठा लिए इन्होंने। तो गाइस इसका पत्थर को छानने का जो रीज़न जितना मेरे को पता था मैंने आपको बताया, अगर किसी को और ज़्यादा पता हो तो, अगर ये मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो भाई उसके लिए सॉरी, बाकी जितना मैंने यहाँ से पूछा और जितनी मेरे को समझ थी आपको मैंने समझाया, और किसी को और अच्छे से पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो यदि भाई आपकी एजुकेशन के लिए एक ये छोटी सी वीडियो, बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय।